कलमना थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपनी ही बहन के प्रेमी की साथीदारों के साथ मिलकर चाकू और पत्थर से वार कर हत्या कर दी। कलमना थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात हत्या का मामला सामने आया है। एक भाई ने अपने बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम मेरी पातानगर निवासी रोशन शंकर चौरसिया बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक रोशन और आरोपी राजापुर लेख भारती के बहन के बीच प्रेम संबंध थे। गुरुवार की रात को रोशन और आरोपी की मिनी मातानगर गासीराम मंदिर के पास बात करते हुए खड़े थे। उसी समय आरोपी राजा इसने उन दोनों को देखा। उन्हें देखकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही इसकी जानकारी अपने दोस्त व दूसरे आरोपी आकाश मेहता को दी। आकाश अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और सभी ने मिलकर रोशन को घेर कर चाकू और पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही कलमना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज पंचनामा किया। इस मामले में पुलिस ने राजा पुंडलिक भारती को 302-32 और मपुआ के तहत गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपी की तलाश जारी है। कल दिनांक 30/1/2020 के रात के टाइम पे एक कंट्रोल का कॉल हुआ था। मिनी माता नगर में एक चाकू से मारा हुआ है। वो कॉल के दरमियान एक इसम पुलिस स्टेशन में चाकू लेके आया। उसका मोटिव, उसका जो पूरा हिस्ट्री सुनने के बाद और जो कंट्रोल का कॉल हुआ था एक दूसरे से मैच हो रहा था। वो इंक्वायरी में राजा कुंडलिक भारती ये लड़के ने उसके बहन का मयत राजेश सवरेशिया इसने छेड़छाड़ किया था, इसके बारे में एक दूसरे से बहसबाजी हो गई, उसमें उसका खून हो गया। राजा भारती का कोई तो रिकॉर्ड अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मयत है उसका रिकॉर्ड है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़े के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।